महिलाओं के गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा बहुत से स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जाता है। कैंपों में आने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर महिलाओं को दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। महिलाओं को गंभीर बीमारियों से किस तरीके से बचाया जाए, इस बात की सलाह भी डॉक्टरों के माध्यम से दी जाती है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं में अत्यधिक गंभीर बीमारियां पाई जाती है। अलीगढ़ के एक होटल में एनीमिया राइट राष्ट्रीय संगठन पक्षी के प्रेसिडेंट डॉक्टर ऋषिकेश पाये ने आह्वान किया। महिलाओं में एनीमिया के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से और उसकी रोकथाम के लिए गंगा के सहारे की यात्रा शुरू की गई है, जो ऋषिकेश शहर से होकर कोलकाता पर अंत होगा। इसी के तहत अलीगढ़ शहर में यात्रा पहुंची। सुबह 10 बजे से जवा में रूरल हेल्थ सेंटर पर एक निःशुल्क हेल्थ कैंप औरतों के लिए लगाया गया, जिसमें उनकी एनीमिया, थायराइड और डायबिटीज की जांच हुई। 150 से अधिक महिलाओं ने इसका लाभ उठाया। औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें शहर के ही नहीं देश के जाने माने विशेषज्ञ, एमएससी रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे। देखिए, महिलाओं से ज्यादा तो उनके घर वालों को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि एनीमिया एज सच कोई बीमारी मानता नहीं है। जब तो जो चीज़ दिखती नहीं है वो सब लोगों को समझ में नहीं आती। वही जागरूकता हमें पैदा करनी है कि एनीमिया के लक्षण को समझिए। एनीमिया आके अपने आप नहीं कहेगा कि मुझे एनीमिया, बार बार थकान होना, नींद ना आना, हाथ पैरों में दर्द होना, बेचैनी होना, ये सब एनीमिया के लक्षण हैं। और जैसे अभी हम हमारी मैडम ने बताया, एनीमिया हर बीमारी की जड़ है। यहाँ तक कि एक हमारी जो नाटिका अभी हुई थी उसमें हमने देखा कि जो गर्भवती महिला उसकी मृत्यु तक हो जाती है, जिसका गढ़ कारण जो है एनीमिया ही है। तो अवेयरनेस जो है, पब्लिक अवेयरनेस मतलब जागरूकता एनीमिया के प्रति, इसीलिए ज़रूरी है कि समय रहते अगर हम चेतेंगे तो बहुत आसानी से इसका हम निवारण कर सकते हैं। सर, आज किस तरीके कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो ये मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकेश पाई हूँ। मैं फेडरेशन ऑफ गायनेक सोसाइटीज ऑफ इंडिया, फॉक्सी बोलते हैं इसको, इसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारे 38,000 गायनेकोलॉजिस्ट मेंबर्स हैं और हमारे 263 सोसाइटीज़ है हमारे ऑल ओवर इंडिया। तो मैंने मेरे अभी प्रेसिडेंशियल ईयर में मैंने ये यात्रा, नारी स्वास्थ्य जन आंदोलन यात्रा ऑर्गेनाइज़ की है, जो हम लोग ने ऋषिकेश से चालू की। फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर जी ने उसको लॉन्च किया और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं धामी जी आए थे देहरादून में, उन्होंने ये यात्रा का प्रारंभ किया। और ये जो यात्रा है वो 5 स्टेट्स कवर कर रही है, यानी उत्तराखंड से चालू हो रही है, देन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और हमारा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है कलकत्ता में, 5 तारीख को ये यात्रा 5 जनवरी को कलकत्ता में ख़त्म हो जाएगी। 40 दिन के ओवर स्प्रेड की है यात्रा। हम लोग ने एक बस भी है और एक वैन भी है, वैन में बड़ा LED स्क्रीन है और उसमें से हम मैसेजिंग कर रहे हैं सबको। और हर एक जगह जहाँ हम जा रहे हैं, 20 जो हमारी सोसाइटीज़ है ऑल ऑन द वे, जैसे कि मैं यात्रा है उत्तराखंड, मैंने ऋषिकेश, देहरादून, बाद में गाज़ियाबाद गई थी यात्रा, कल मेरठ गई थी, मेरठ से इधर अभी आई है अलीगढ़, आगरा, और आगरा से कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रांची, अपने जमशेदपुर, धनबाद, बर्धमान एंड अल्टीमेटली कलकत्ता। ऐसी ये यात्रा है, हर एक जगह हम कैंप कर रहे हैं, जहाँ सुबह के टाइम में या दोपहर के टाइम में हम कैंप्स करके सब टेस्टिंग करके जो एनीमिया है, एनीमिया हटा, नाना एनीमिया यात्रा है का नाम है, और जो एनीमिया जिसको हो रहा है उसको टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं, यदि एनीमिया लो होगा तो उनको हम दवाई दे देंगे फ्री में। और ये करने के बाद, और वो नेशनल फैमिली सर्वे का जो डेटा था वो डेटा भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों का क्या क्या प्रिविलेंस है, ब्लड प्रेशर देख रहे हैं हम लोग, उनका कैंसर है कि नहीं, गर्भाशय का मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं वो बता रहे हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं, प्लस इवनिंग में जैसे आपने अभी देखा एनीमिया का हम लोग पब्लिक फोरम कर रहे हैं, और ट्रेनिंग मैंने जो हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनको के पास कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के प्रोग्राम भी करे। तो एक हॉलिस्टिक ये है मेरा कॉन्सेप्ट है, और ये 5 स्टेट्स कवर करने के बाद दोबारा मैं ये इधर ही आने वाला हूँ, और ज़्यादा एग्रेसिवली हम लोग हर एक स्टेट में कैंपेन करेंगे, ये मकसद है यात्रा का। जी, मैम, आज किस तरीके से सेमिनार का आयोजन किया है? हम लोग का आज का सेमिनार एनीमिया से रिलेटेड है। सेमिनार क्या, आज हमारे ना बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं, एक सेमिनार ही नहीं है। सुबह हमने एक हेल्थ कैंप किया जिसमें एनीमिया से ही रिलेटेड चीज़ें थी, लेकिन और भी, क्योंकि एक आइसोलेटेड चीज़ को आप लेके नहीं चल सकते हो, तो
और भी बीमारियों के लिए जांच की गई, मरीज़ों की मुफ्त जांच और मुफ्त दवाएं भी उन्हें दी गई। सुबह में हेल्थ कैंप किया जवा में रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है एएमयू का, कम्युनिटी मेडिसिन का, जिसमें ये प्रोग्राम हुआ। शाम को हमारा जो 5 से 6 का प्रोग्राम था वो पब्लिक फोरम के नाम पे था। उसमें बेसिकली सिर्फ गायनी के ही डॉक्टर नहीं, और भी डॉक्टर्स या जो नहीं भी डॉक्टर हैं लेकिन इन्फ्लुएंशियल हैं, जो समाज में बदलाव ला सकते हैं, उनको हमने इनवाइट किया यहाँ पे। और एक हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स ने एक अच्छा नाटक उनको दिखाया जो एनीमिया के संबंध में था, जिससे कि जागरूकता जगे, क्योंकि जो अभी भी हमारे जो एनीमिया के चलते मृत्यु दर है वो ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये कि एनीमिया ना बहुत सारे मर्ज़ की जड़ होती है। जब एनीमिया है तो और भी कोई और मर्ज़ भी होगा ना, तो ज़्यादा उसका असर शरीर पे पड़ता है। तो उसके लिए जागरूकता पैदा करना हमारी एक प्राथमिकता है। और हमारे प्रेसिडेंट जो फॉक्सी के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ऋषिकेश पाई आए हैं, तो उनके साथ हम लोग का ये प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद हमारी CME होगी, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक पे चर्चाएं होंगी जो गायनी, जो ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी के लोगों के लिए बेसिकली हैं, जो अब चर्चा होने जा रही है।